सोनिया के गढ़ रायबरेली में गरजे पीएम मोदी, कहा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस, विरोधियों पर सेना को कमजोर करने का लगाया आरोप। क्यों देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है, हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। राफेल डील पर देश भर में 70 जगहों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। कांग्रेस के आरोपों पर देंगे जवाब। राफेल को लेकर विपक्ष पर हमला करेगी बीजेपी। सोमवार को मुंबई में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गुवाहाटी में योगी आदित्यनाथ, गुजरात के अहमदाबाद में देवेंद्र फडणवीस और जयपुर में विजय रूपाणी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोमवार को पार्लियामेंट में दोनों सदनों में राफेल मुद्दे पर बीजेपी को घेर सकती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे भूपेश बघेल, विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। सोमवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ सुबह 10:30 बजे लेंगे शपथ। अशोक गहलोत 1:30 बजे लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में शरद पवार, शरद यादव, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल सहित विपक्ष के कई बड़े नेता होंगे मौजूद। पिथाई ने लिया विकराल रूप, तेजी से बढ़ रहा है तटीय आंध्र की ओर। तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में हाई अलर्ट। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच। 175 अंक के बढ़त के साथ भारत से आगे है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 283 रन। बिहार झारखंड समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।